रखा ये भी है। वन बाय वन आप लोगों ने तेज़ घी में डालना है इसको, तकरीबन 10 से 15 मिनट आप लोगों ने कुक करना है, इसके साइड को चेंज नहीं करना जब तक ये कुक नहीं हो जाती। तो विवर ने देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ वो बहुत प्यारी यार, ये कलर भी कितना ज़बरदस्त आ गया है, वो तो 200 पर उसके है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाज़रीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को क्योंकि नाज़रीन के साथ जुड़ जाएँ, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी रेसिपी है वो है बहुत फेवरेट सबकी ही, लेकिन बनानी किसी किसी को आती है, इसलिए आज कुकिंग विद नाज़रीन में हम उस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, ये है क्रिस्पी जो उनसे हम लोग ड्रम स्टिक बना रहे हैं KFC स्टाइल। आप लोग अब घर में बासानी बना सकते हैं क्योंकि महंगाई का दौर है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, लेकिन इतने मज़ेदार खाने खाने को सबका दिल करता है, तो इसलिए आप लोग कम बजट में अपने घर में बिल्कुल बाजार जैसे KFC स्टाइल ड्रम स्टिक अब घर में बासानी बना सकते हैं आज की वीडियो देखने के बाद। तो इसलिए व्यूवर्स, आप लोगों को आज की वीडियो पूरी देखनी होगी ताकि आप लोग मज़ेदार से जो उनसे ड्रम स्टिक वो बनाना घर में सीख सकें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच दादरी मिर्च, एक चम्मच ही जो सी है लाल सुरख मिर्च जो उसको कहते हैं वो, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और जो सा है सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक, ये भी तकरीबन हाफ हाफ टेबल स्पून है, लेकिन नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने रखी है दही और ये है ड्रम स्टिक, क्योंकि हमारी जो मेन रेसिपी है ये आप देखें इस टाइम मैंने इसके ऊपर टक्स जो से वो लगाए हुए कट सबके ऊपर लगे हुए हैं ताकि जो इसकी मैरिनेशन है फिर वो अच्छे से इसके अंदर चली जाएगी, जो एक बाजार वाला जो KFC वाला टच है ना वो आपको बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेगा इस रेसिपी के बाद। तो हम लोगों ने क्या करना है, जितने भी स्पाइसेस हैं ये सब अल्लाह का नाम लेके हमने दही में डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि दही के अंदर जितना अच्छी तरह से आप लोग मिक्स करके इसकी मैरिनेशन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी क्रिस्पी जो से ड्रम स्टिक्स हैं वो तैयार होंगी। और दही मैंने कितनी ली, दही मैंने तकरीबन आधा पाव ली है, उसके अंदर तमाम सारे स्पाइसेज जो से डाल के मैंने मिक्स करके इसकी मैरिनेशन करनी, क्योंकि मैरिनेट जितने ज़्यादा देर किया हो जितना अच्छा किया होगा उतने ही आपके मज़ेदार जो से ड्रम स्टिक वो तैयार होंगी। ये तो व्यूअर मैरिनेशन जो से अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर ली है, अब मैं इसको डाल रही हूँ ड्रम स्टिक्स के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप चाहे चम्मच की मदद से चाहे हाथ की मदद से जितनी भी ये आप लोगों ने पेस्ट बनाई है इसको अच्छे से ड्रम स्टिक के ऊपर कोट कर दें। ये लें व्यूवर्स, अब हम लोगों ने जो से ड्रम स्टिक मैरिनेट कर ली हैं, अब मैरिनेट करके हम लोगों ने तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पे से रख दें, अगर गर्मी ज़्यादा, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसको फ्रिज में रख दें ताकि ख़राब ना हो जाए। और अगर आप लोग ज़्यादा इसकी मैरिनेशन ज़्यादा अच्छा टेस्ट करना चाहते हैं तो ओवरनाइट इसको लेफ्ट कर दें और नेक्स्ट डे आप बनाए तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैं इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख रही हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने फ्राई करूँगी कि, और आज मैं आपके साथ वो तरकीब शेयर करूँगी जो सा मेन राज है जिसकी वजह से ये ड्रम स्टिक क्रिस्पी और क्रंची बनती है, वो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ क्योंकि नाज़रीन में तो व्यूवर्स आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। Stay connected with us. जी तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो सा मैरिनेट की हुई ड्रम स्टिक हम लोगों ने अब निकाल ली है, सब अच्छी तरह से जो सी कोटिंग हो गई है, मैंने इसको एक दफ़ा से दोबारा ना मिक्स कर लिया है ताकि अच्छी तरह से जो मसाला है ना वो सब के ऊपर लग जाए। तो मैंने यहाँ पर जो सा है वो लिया है कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा और मैदा, इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करना, क्योंकि यही जो ट्रिक है मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से अच्छी अच्छी जो ड्रम स्टिक क्रिस्पी बनेंगी KFC स्टाइल। एक तो ये कि आपने तीनों चीज़ें जो सी लेनी है वो हम वज़न होनी चाहिए, और दूसरा एक और तरकीब है, एक और ट्रिप है मैं आपको देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको लगाने की एक तरकीब है कि आपने इसको ईजीली इस तरह से नहीं, आपने इसको इस तरह से डाल के ना सख्त हाथों से इस तरह दुबाना है इस मिक्सचर को ताकि जो अच्छा सा है ना वो उसके ऊपर लग जाए। ये देखें इस तरह अच्छे से दुबा दुबा कर आप लोगों ने इसकी जो सी है वो कोटिंग करनी है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ठंडा पानी, इसके अंदर आपने डिप करना है इसको, अच्छी तरह से डिप करना ठंडे पानी में, और फिर डिप करने के बाद दोबारा से आपने फिर इसकी कोटिंग उसी तरह से ही
दुबा दुबा कर करनी है, ताकि जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी उतने ही अच्छे जो से आपके क्रिस्पी क्रिस्पी ड्रम स्टिक हैं वो KFC स्टाइल तैयार होंगे। तो यही वो टिप है जिसकी वजह से जो से ड्रम स्टिक हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। एक तो ठंडा पानी और दूसरा ये कि कोटिंग के लिए कौन सी चीज़ों को कितना कितना लेना है वो। तो आज ये मेन चीज़ें कुकिंग विद नाज़नीन में आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर की हैं। इसी तरह बाकी ड्रम स्टिक भी हम लोग कोट कर लेते हैं और उनको फ्राई करते हैं। जी तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रम स्टिक से कोटिंग कर ली है, हाफ जो सी वो रह गई है, हाफ मैं फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि उसको टाइम लगेगा कुक होने में। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो व्यूवर्स घी मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है, ये आप देख सकते हैं कि गरम हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन बाय वन आप लोगों ने तेज़ घी में डालना है इसको, तकरीबन 10 से 15 मिनट आप लोगों ने कुक करना है। इसके साइड को चेंज नहीं करना जब तक ये कुक नहीं हो जाती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चुकी है एक्सरसाइज की ड्रम स्टिक हमारी तैयार हो जा रही है। तो विवर ने देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ वो बहुत प्यारी आ रही है, कलर भी कितना ज़बरदस्त आ गया है वो जो सौ फल उसके है। ये तो विवर 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको दोबारा फ्राई कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने इनको फिर से 10 मिनट दोबारा फ्राई करना है। तो विवर जब हम लोग इसको निकाल रहे हैं बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अब हम लोगों ने इसको 10 मिनट कम से कम 10 मिनट ठंडा लाजमी करना है और 10 मिनट के बाद हम लोग इनको दोबारा फ्राई करते हैं। ये तो व्यूअर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह जो से हमारे ड्रमस्टिक हैं KFC फ्राई क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं तैयार। तो अब इसको निकाल के डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कुकिंग हुई है ऊपर। ये तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है KFC स्टाइल ड्रमस्टिक हो गई है तैयार। तो ये देखें कितने क्रंची क्रंची से जो से हमारे ड्रमस्टिक हो गए हैं तैयार, बिल्कुल भी कोटिंग नहीं उतरी, कितनी क्रंची क्रंची सी हैं ये देखें आप। तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। चिकन जो सा वो भी हमारा बिल्कुल गल गया है और सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, ये देखें कितना सॉफ्ट है। तो व्यूवर्स आई होप कि आपको जो सी आज की हमारी ड्रमस्टिक की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को विद नाज़नीन को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें, हमें अपनी फ़ीडबैक दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।